को एक तरीके से एक राइट दे देता है इनटेंजिबल एसेट्स पर। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? कोई मुझे बताएगा, एनी वन ऑफ यू, व्हाट आर इनटेंजिबल एसेट्स? आशीष? यस आशीष। मैम, इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट। बिल्कुल सही। ये जितने तीनों आपने नाम बताए उन्हीं को तो हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है। अब वो राइट एंटरप्रेन्योर को वो राइट मिल जाता है इंटेंजिबल एसेट्स पर, ठीक है। आईपीआर उनको वो राइट देता है, ठीक है। अब आईपीआर एक तरीके से आप बोल सकते हो आपके कॉम्पिटिटर को आपको एक लीडर बनने में मदद करेगा, आपकी फील्ड में आपको लीडर बनने में मदद करेगा आपके कॉम्पिटिटर को एक हद तक टक्कर देगा, ठीक है। आईपी के अंदर होता क्या क्या है? कॉपीराइट्स होते हैं, पेटेंट्स होते हैं और ट्रेडमार्क होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में आता ही आता है। मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, ठीक है। फिर मत बोलना मैम बताया नहीं था। कॉपीराइट होता क्या है? ये एक तरीके से प्रोटेक्शन होता है कि जो होल्डर है उसको एक राइट है कि राइट टू कॉपी द वर्क मॉडिफाइड, यानी कि दैट इज क्रिएट डेरिवेटिव वर्क्स एंड डिस्ट्रीब्यूट परफॉर्म एंड डिस्प्ले द वर्क। कॉपीराइट्स होते हैं कि भाई आपको ये है कि जो आपकी कॉपीज हैं वो होती रहे, कॉपीराइट बनते रहे उसके, ठीक है। बट आप चाहते हो वो तब हो जब आप उसको बोलो, ठीक है। आपको एक तरीके से प्रोटेक्शन मिलता है उसमें, आपको एक तरीके से राइट मिलता है टू कॉपी द वर्क, काम उस चीज को कॉपी करना, डेरिवेटिव वर्क्स, ठीक है। पेटेंट्स होते हैं ये आपके मेथड, इन्वेंशंस, ठीक है। मान लो आपने कोई नॉवेल बनाई, आपने कोई नॉन ऑब्वियस या फिर कोई यूजफुल चीज बनाई, ठीक है, वो आप उसके लिए एक मोनोपोली ले लेते हो कि भाई मैं ही बेचूंगा, ठीक है, मैं बेचूंगा यूजिंग मेकिंग और उसको बनाने की, उसको बेचने की, उसको इंपोर्ट करने की, उसको इन्वेंट करने की सारी राइट केवल मुझे होगी, मुझे ही परमिशन होगा, मैं ही मालिक होऊंगा, वो उसको हम पेटेंट्स कहते हैं। एक प्रोसेस, एक आप तरीके से हमें गारंट, हम उसके हमें ग्रांटेड हो जाता है कि हाँ हम ही करेंगे, किसी और को नहीं मिलेगा। हम उस चीज का लाइसेंस लेते हैं कि कोई और इसको कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। और उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत सी है, अलग अलग। ट्रेडमार्क क्या होता है? इसको हम ब्रांड का नाम बोलते हैं। ब्रांड, किसी भी ब्रांड के नेम को हम ट्रेडमार्क कहते हैं। जैसे मान लो कोई भी वर्ड, कोई भी सिंबल जो बताता है उस प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट को डिफाइन करता है, आइडेंटिफाई करता है और दूसरों से अलग करता है मार्केट प्लेस पे, ठीक है। मान लो नाइकी है, अब आपको नाइकी का साइन पता है ये होता है, तो नाइकी कंपनी सबसे अलग हो गई, तो ये जो ट्रेडमार्क हो गया वो नाइकी कंपनी का हो गया, ठीक है। तो सबके अपने अलग अलग ट्रेडमार्क्स होते हैं ऐसे, ठीक है। ट्रेडमार्क एक लीगल प्रोटेक्शन है कि कोई भी आपका ट्रेडमार्क यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। इस कंपनी के अलावा कोई और कंपनी इस कंपनी का ट्रेडमार्क नहीं यूज कर सकती, ठीक है। अभी तक किसी को कोई दिक्कत, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, यू कैन रेज योर हैंड्स। हर्ष? यस हर्ष। मैम, मोनोपोली क्या होती है? आप बोल सकते हो वन मैन रूल बोल सकते हो इसको, कि उसमें एक ही जना होगा, वही काम करेगा, उसी की नोवेल होगी, उसी का काम, मतलब रूल चलेगा। मैम मतलब वन बिजनेस का, मैम वन मैन वन बिजनेस, मतलब पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आपको हर एक का राइट। मैंने क्या बोला, नोवेल का एग्जाम्पल दिया, जो नोवेल तुमने लिखी है तुम चाहोगे वो नोवेल कोई और लिख पाए, अपना नाम डाल के तुम्हारी नोवेल छाप दे, कभी आप ये चाहेंगे? नहीं ना।
तो वन मैन वन रूल चलता है यहाँ पे. मोनोपोली का मतलब ही वो है कि सिंगल मैन, सिंगल सेलर, सिंगल मेकर. ठीक है, ओके मैम. ओके, एनी अदर क्वेश्चन चिल्ड्रन? आगे हम चलते हैं चिल्ड्रन. स्मॉल बिजनेस. अब स्मॉल बिजनेस क्या होता है? स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस जो होते हैं वो हर कंट्री में होते हैं, मतलब संसार की हर कंट्री में वो अवेलेबल है. पर डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे अपनी डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, उसमें स्पेशल प्लेस है स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस की. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ कैपिटल की कमी है. ठीक है, लेबर की कमी है, लेबर इंटेंसिव, मतलब लेबर की कमी है, कैपिटल की कमी है, इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेस की अलग ही स्पेशल प्लेस होती है डेवलपिंग कंट्रीज में. और अपनी कंट्री तो डेवलपिंग ही है. इसमें क्या होता है, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस जो होते हैं वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करते हैं, यानी कि कैपिटल सेविंग टेक्निक्स यूज करते हैं कि कैसे हम कैपिटल को बचाएं और अपना बिजनेस चलाएं. मतलब क्या होता है स्मॉल बिजनेस का? इंडिपेंडेंस के बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने डिफाइन किया, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैसे डिफाइन की गई? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, मार्क कर लीजिएगा इसको. इस एक्ट के द्वारा ये बताया गया कि कोई भी एंटरप्राइज जो 50 लोगों से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देता और उन लोगों से मिलकर, ठीक है, जब उनको पावर है, और या फिर तो 50 या फिर 100 तब जब उनकी कैपिटल एसेट्स 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो हम उनको बोलते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस. समझ आया चिल्ड्रन? स्मॉल एंटरप्राइजेस वो है जहां पर लोग 50 तो होंगे ही होंगे, ठीक है, 50 एम्प्लॉय होंगे, लेकिन अगर 100 एम्प्लॉय होंगे तो उनकी भी जो कैपिटल है वो 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. बाद में ये हुआ 1959 में, या इन तीनों पांचों इयर्स में डेफिनेशन रिवर्स्ड या रिवाइज कर दी गई, यानी कि चेंज हो गई. क्या चेंज आया इसमें? क्या चेंज आया? आप बोल सकते हो रिवाइज हो गई और इसका सिस्टम चेंज हो गया. ये सिस्टम बन गया आपका, आपको ये अपनी कॉपी में बनाना है. ठीक है चिल्ड्रन, पूरा क्लासिफिकेशन हो गया कि 25 लाख की होगी आपकी माइक्रो, 5 करोड़ की होगी स्मॉल और 10 करोड़ की होगी मीडियम. मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस इतने होंगे और सर्विस एंटरप्राइजेस इतने के होंगे. माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इतने तरीके के में डिवाइड हो गए. स्मॉल बिजनेस का रूरल इंडिया में क्या रोल है? रूरल इंडिया में इसका रोल ही अलग है बिल्कुल. किसी को कोई आइडिया है तो कोई बच्चा बोल सकता है, बता सकता है. ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो रूरल एरिया में भी बहुत से बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं. कैसे? एम्प्लॉयमेंट, लेबर इंटेंसिव है तो यानी कि ये एडिशनल एम्प्लॉयमेंट देती है मैन और वुमेन को. लेबर की जब हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करते हैं, मतलब आप बोल सकते हो एग्रीकल्चर के बाद, ठीक है, स्मॉल बिजनेस
ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, लोगों की, आप बोल सकते हो कि लोगों की ऑक्यूपेशन में स्मॉल बिजनेस दिखाया जाता है, एक पॉपुलर ऑक्यूपेशन है इंडिया में, ये हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चरिस्ट को, ठीक है, जो खाली बैठे हुए हैं आधा साल पूरा साल कुछ पार्ट खाली रहते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, उस तरीके से बेनिफिशियल है। दूसरा है कि इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है, अब आप बताइए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा तो इनकम भी देगा, जो रूरल एरियाज में लोग रह रहे होंगे उनको इनकम मिलेगी, तो उससे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार आएगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, एंड इफ दे विल बी एम्प्लॉयड दे विल गेट द इनकम, एंड इफ दे विल गेट द इनकम देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मे बी इम्प्रूव, ठीक है, नॉट फुली बोल रही हूं मैं, बट थोड़ा तो इम्प्रूव होगा, तो इस तरीके से ये हेल्प करेगा। तीसरा आपका प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव सेंस, कैसे, स्मॉल बिजनेस सेटअप इन रूरल एरिया प्रोवाइड स्कोप फॉर द प्रमोशन, एक तरीके से स्कोप बताता है कि कैसे हम आर्टिस्टिक अचीवमेंट या क्रिएटिविटी, जो रूरल एरियाज में कैसे हम क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक अचीवमेंट ला सकते हैं, आर्ट यहाँ पे बात हो रही है, कैसे उसको प्रमोट करें, कैसे ऐसे बिजनेस चलेंगे जो ऐसे ही बिजनेस रूरल एरियाज में चल सकते हैं, जो लोगों में आप बोल सकते हो जब तक हम प्रमोट नहीं करेंगे उनको पता कैसे चलेगा, और जब तक पता नहीं चलेगा उसका स्कोप ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना, तो उनको क्रिएटिव सेंस देना, आर्टिस्टिक सेंस देना। फोर्थ है आपका रूरल डेवलपमेंट, भाई रूरल एरियाज उनका डेवलपमेंट सच, रूरल रिकंस्ट्रक्शन, सस्टेन्ड ग्रोथ एंड रिमूवल ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी, एक तो रीजनल की भाई हम अर्बन है रूरल है वो खत्म होगा आपका, ठीक है, सस्टेन ग्रोथ की हाँ थोड़ी बहुत ग्रोथ स्टार्ट होगी और फिर वो स्टार्ट होगी, रिकंस्ट्रक्शन होगा एक तरीके से, जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रूरल एरियाज में होगी तो उसमें डेवलपमेंट होगा और उस डेवलपमेंट की वजह से कंस्ट्रक्शन होगा, ग्रोथ होगी, और रीजनल कि भाई वहां के अर्बन एरियाज के लोग ही क्यों काम कर सकते हैं, रूरल एरियाज के क्यों नहीं कर सकते, तो वो रीजनल डिस्पैरिटी भी खत्म। आखिरी आपका मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, मोबिलाइजेशन का मतलब ये है आपका, या फिर आप बोल सकते हो कि कैसे हम लोकल रिसोर्सेज को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, या उससे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को में जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई है उनको इस्तेमाल करके इंडस्ट्रीज डेवलप कर सकते हैं, ये उन एरियाज को हमें टैप करने में मदद करते हैं, जैसे यहाँ पर काम करती है एंटरप्रेन्योर की स्किल, ठीक है, रूरल एरियाज में कैसे हम फैसिलिटेट कर से मतलब मोबिलाइजेशन और यूटिलाइजेशन, कैसे हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, कैसे हम उसको जो अभी तक बिल्कुल अनयूटिलाइज है कैसे हम उसको एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से बता सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन आपको ये समझ में आया रोल ऑफ स्मॉल स्केल इन रूरल एरियाज इन इंडिया इन रूरल एरियाज। ओके आगे चलते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट असिस्टेंट हर्ष, यस, एक बार थर्ड पॉइंट रिकॉल कर दीजिए, प्रमोशन ऑफ, हम बोलते नहीं आर्ट हुआ या क्रिएटिविटी हुई, ऐसा काम करें हम रूरल एरियाज में, ऐसा बिजनेस सेटअप करें जिसमें क्रिएटिविटी हो, आर्ट हो, जिससे हम जिसको हम जिसमें हम दिखाएं कि कैसे हम आर्ट का प्रमोशन कर रहे हैं, कैसे हम चीजों को उनका इंटरेस्ट डेवलप करें, इसलिए हम वैसे बिजनेस सेटअप करते हैं रूरल एरियाज में जिससे लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो, कैसे हम उनमें क्रिएटिव सेंस डेवलप करें, कैसे हम उनमें आर्ट डेवलप करें, ठीक है, उसी को हम प्रमोट करते हैं।
एनी अदर डाउट चिल्ड्रेन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड स्पेशल स्कीम्स फॉर इंडस्ट्रियल फॉर इंडस्ट्रीज इन रूरल बैकवर्ड एंड हिली एरियाज. गवर्नमेंट का क्या आश्वासन रहा है? क्या उसने स्पेशल स्कीम्स निकाली हैं उन इंडस्ट्रीज के लिए जो रूरल में यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में, बैकवर्ड एरियाज बिल्कुल ही पिछड़ा वर्ग, और हिली एरियाज के लिए? दिमाग में रखते हुए कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो एम्प्लॉयमेंट देती हैं, एक हमारी बैलेंस रीजनल ग्रोथ होती है उससे, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोट करती हैं, और अपनी जो गवर्नमेंट है इंडिया ने ये सब कुछ देखते हुए सोचा कि उन्हें अलग अलग पॉलिसीज बनानी है, ऑफर करने हैं अलग अलग इंसेंटिव्स और अलग अलग बेनिफिट्स, ताकि और प्रमोशन हो, और ग्रोथ हो, और बिजनेस बढ़े सेंट्रल लेवल पर और सेंट्रल और स्टेट लेवल पर. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कैसे क्या क्या पॉलिसीज निकाली होंगी जिससे और ज्यादा ग्रोथ हो सकती है, क्या क्या एजेंसी सोची होंगी जो इस पर वर्क करेंगी, ठीक है, क्या एक्शन लिया होगा, कौन कौन से डिपार्टमेंट चूज किए होंगे, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे. सबसे पहले आपका सम ऑफ द सपोर्ट मेजर्स एंड प्रोग्राम्स. कुछ ऐसे सपोर्ट मेजर्स और प्रोग्राम्स बनाए गए कि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या रूरल इंडस्ट्रीज को, ठीक है, कैसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. पहला आपका इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिला, और दूसरा इंसेंटिव, जो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स ऑफर किए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को. इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हो गया आपका, यहाँ पर NSIC की बात हो रही, यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन. ये सेटअप हुई 1955 में, ठीक है, ये सोचकर सेटअप हुई कि हमें फॉस्टरिंग द ग्रोथ ऑफ SC, मतलब हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की ग्रोथ पर ही वर्क करना है, फोकस ही वही होना चाहिए कंट्री में. इनका मेन फोकस होना चाहिए आपके इंपोर्ट मशीन्स पर, ठीक है, लेकिन सप्लाई तो करें इंपोर्ट मशीन्स को, ठीक है, लेकिन उनकी इंस्टॉलमेंट बहुत इजी हो, ठीक है, रॉ मटेरियल सप्लाई करें, ठीक है, प्रोडक्ट्स जितने प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट करें, एडवाइस दें, एडवाइजरी सर्विसेज दें, मॉनिटर करें, टेक्नोलॉजिकल आश्वासन दें, ठीक है, ये सपोर्ट होगा. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बनाना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, ठीक है, एक नई स्कीम, मतलब अ न्यू स्कीम ऑफ परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इंप्लीमेंटेड थ्रू NSIC. एक नई स्कीम बनाई गई क्रेडिट रेटिंग के लिए स्मॉल बिजनेस की, जो NSIC ने, यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने बनाई कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ. पहला ऑब्जेक्टिव था आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में उनकी नीड, उनकी क्रेडिट रेटिंग को देखते हुए उस पर ध्यान देना, और फिर उसको एनकरेज करना एक अच्छे फाइनेंशियल रिकॉर्ड के लिए. और दूसरा है आपका IDIC, मतलब DIC, द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स. ये प्रोग्राम जो हुआ वो May 1 में स्टार्ट हुआ 1978 में, ताकि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हेल्प करें. कैसे? ये सेंटर्स जो होते हैं वो प्रमोशनल एक्टिविटीज करते हैं. कैसे प्रोवाइड करते हैं? भाई कुछ अच्छी स्कीम हो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है, और क्रेडिट अरेंज करते हैं, ठीक है. ये सेंटर्स एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करते हैं, कि उनके एटीट्यूड को प्रमोट करते हैं, जैसे वो काम कर रहे हैं, उनके आइडियाज को, उनको इनोवेशन को, उनके उनको प्रमोट करते हैं रूरल एरियाज में. ये एक तरीके का इंस्टीट्यूशन है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, जो हमें सारी सर्विसेज और एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट देता है कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप करें, ठीक है,
और जैसे कि वो सुटेबल स्कीम देखें, ठीक है, स्कीम देखते हुए काम करें, रिपोर्ट बनाए सही से और क्रेडिट अरेंज करें। डीआईसी हमेशा चेंज लाना चाहते हैं रूरल एंटरप्रेन्योर्स के एटीट्यूड में, उनके वर्क। ये एक इमर्जिंग इज इमर्जिंग एज अ फोकल पॉइंट फॉर इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। मतलब एक तरीके से फोकस करते हैं वो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छे से हो, उनका फोकस ही डीआईसी का ये होता है। तो ये आपके थे दो पॉइंट जिस पर वो वर्क करता है। लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, इंसेंटिव क्या क्या दिए गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज। इंडिपेंडेंस के बाद कुछ एरियाज कंट्रीज के वो जल्दी जल्दी डेवलप होने लगे, कुछ एरियाज थे वो बैकवर्ड ही रहे और कुछ एरियाज थे जो आज भी अंडर डेवलप्ड है। पर जो बैलेंस रीजनल ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है इनके लिए बहुत जरूरी है कुछ रीजंस की वजह से। कौन से और वो कैसे हो सकती है? पहले एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हर एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना, लोकल स्किल्स डेवलप करना, रिसोर्सेज डेवलप करना, लोगों का इधर से उधर जाना यानी कि गांव से अर्बन एरियाज में जाना, यानी कि रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में जाना। बैलेंस रीजनल ग्रोथ और रूरल बैकवर्ड और हिली एरियाज के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिव्स दिए। क्या? अवेलेबिलिटी लैंड दी, ठीक है, कंसेशनल रेट्स पर रेंट दी, मतलब लैंड दिया, ठीक है, लोकेशन पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स की लोकेशन बैकवर्ड एरियाज में रखी, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनाए बैकवर्ड एरियाज में एस्टेब्लिश किए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप हुई जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, पावर सप्लाई, टैक्स कंसेशंस दिए जो बैकवर्ड एरियाज में लोग हैं उनको ऑफर किए, फाइनेंस दिया कंसेशन रेट पर, मतलब उनको फंड्स दिए कि वो सेटअप करें इस एरिया में, इंडस्ट्री सेटअप करें, सब्सिडीज दी टाइम से ताकि वो, कुछ सब्सिडीज उन्होंने ऐसे ऑफर की, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी कि अगर वो रॉ मटेरियल लेकर जा रहे हैं या फिनिश गुड्स लेकर जा रहे हैं इन एरिया में तो उनको सब्सिडी मिल जाएगी, कैपिटल सब्सिडी मिल जाएगी, मतलब अगर वो इन्वेस्ट करना चाहे फिक्स एसेट्स में, इंडस्ट्री सेटअप करना चाहे बैकवर्ड एरियाज में, इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी मिली। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा, कहा कि मैं ही बियर करूंगे जितने भी खर्चे होंगे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इतनी सब्सिडी मिली उनको। और स्पेशल प्रोग्राम्स भी किए बैकवर्ड एरियाज के डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट ने ही इनिशिएटिव लिया जिनके लिए। चिल्ड्रन, आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। दिस चैप्टर चैप्टर 8 इज फिनिश्ड टुडे, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। कल मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करा दूंगी, ठीक है, ओके। सो इफ यू हैव एनी डाउट, आपका इस चैप्टर का करेक्शन मैं करूंगी नेक्स्ट वीक, सैटरडे ऑफ नेक्स्ट वीक, ठीक है। अब आपको पता चल गया है आपका ये असेसमेंट टेस्ट है अकाउंट्स का सैटरडे को, तो उसके लिए आपका सिलेबस यही है। जो फर्स्ट थियोरिटिकल चैप्टर्स है मैं आपको नाम दे दूंगी उस थियोरिटिकल चैप्टर्स के, आप उनको प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं बट मैं बता देती हूँ। और बीएस के लिए अभी आपका है नहीं लेकिन मैंने केवल चैप्टर 1 दिया, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। दिस चैप्टर इज फिनिश्ड टुडे। और आपको समझ में आया तो यू कैन रेज थम्स। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है चिल्ड्रन? ओके देन, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।